चुनाव आ रहा है और जो चुनाव की घोषणा हो गई है भारत के अंदर, इस चुनाव में ये जो ऑफ सूट या छुपे हुए जो लोग हैं या छुपी हुई जो संस्थाएं हैं, वो कैसे क्या बोलते हैं वे एक्ट करेंगी, उनसे कैसे बचना है, कैसे उनको पहचानना है, और आम आदमी के लिए कैसे उसकी अपनी खुद की सरकार बने जो उसका फायदा करे, उसके लिए क्या करना चाहिए? आरवी सिंह जी बताएं। देखिए जी, पॉलिटिक्स का जहां तक संबंध है, इस देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता का राज है, जनता के द्वारा जनता के लिए, उसी के लिए काम करना है। इस देश की जो जनता है दो पार्टों के बीच में पिस रही है, अन्याय, अत्याचार, गरीबी। जो भी पॉलिटिशियन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन चीजों पर ध्यान दे तो उसकी पॉलिटिकल, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिटिकल जिम्मेदारी पूरी होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैं जो विगत 70 साल का इतिहास है, 70-72 साल, 71 साल का, उस इतिहास पर नजर डालता हूं तो मैं ये देखा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस देश के लिए मानी गई थी कि पॉलिटिक्स में ये चीज आनी चाहिए, वो मजाक बन के रह गया है। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी पॉलिटिक्स हो, देश की भलाई के लिए हो, यही तो कारण होते, यही तो बात होती है उसमें, देश के विकास के लिए हो, और जो देश का कानून बनाया गया है, जो देश का दस्तावेज तैयार किया गया, उसके हिसाब से रहे तो डेफिनेटली देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जो देश की पॉलिटिक्स है, जो देश की राजनीति है, वो गलत दिशा में आज नहीं 70 साल से चल रही है। मैं इस बात का बार बार जिक्र भी करता हूं कि जब तक आप इस देश को इस भारतीय संविधान के हिसाब से नहीं चलाएंगे, देश का विकास असंभव है। भारतीय संविधान कोई एक आदमी ने मान्य नहीं किया था। 1948-1949 से लेकर के, और जब लागू हुआ 1950 में, बहुत सारे सदस्य इसके मेंबर थे, बहुत सारी डिबेट इसमें हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। अगर कोई जानता है तो देखता है तो मालूम पड़ेगा कि वो कितना भयंकर और कितनी बड़ी, 2-3 साल तक डिबेट हुई, 2 साल 11 महीने समथिंग। लेकिन पॉलिटिक्स जिसका उद्देश्य होता है देश की सेवा, देश के लोगों की सेवा, देश को उन्नत बनाना, उस संविधान के हिसाब से न चलने से देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। बात आ रही है आज के बारे में। अब 70 साल के बाद इस देश की पॉलिटिक्स क्या हो रही है, पहले से मैं बताता आ रहा हूं कि पहले से ही इस देश की पॉलिटिक्स संविधान के उलट काम कर रही है। अभी 2014 से जो कहानी हो रही है वो ज्यादा बिखरे हुए और निखरे रूप में है। इस देश के लोगों का एक पोलराइजेशन हो गया है पॉलिटिक्स में, एक पोलराइजेशन, हिंदुत्ववादी और गैर हिंदुत्ववादी। हिंदुत्ववादी को जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी आज बीजेपी है, जो अपनी एक बहुत पूर्व नियोजित, बहुत कंट्रोलर संस्था है आरएसएस, उससे सीख कर काम करती है, और आरएसएस एक ब्राह्मणवादी विचारधारा पर आधारित उनका अपना संविधान है, उनका अपना संविधान है एक, जिसको मैं बताऊं, जो मैंने अध्ययन भी किया, उस किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट, और उसके साथ दूसरी एक और किताब जो मैंने देखी, वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, ये दोनों ही ब्लूप्रिंट कह लीजिए, ब्लू बुक कह लीजिए, इसकी जो तैयार की गई वो इस देश के कर्णधार, हिंदुत्व के कर्णधार MS गोलवरकर साहब,
डॉक्टर एम एस गोलवलकर, ये थे। डॉक्टर हेडगेवार भी उसके फाउंडर मेंबर थे, फाउंडर प्रेसिडेंट जो भी आप कहें। तो उनके द्वारा जो संविधान दिया गया, बंच ऑफ थॉट और व्यू ऑफ नेशन डिफाइंड, उसमें जो चीज लिखी गई हैं वो आज प्रत्यक्ष रूप में सामने आ रही हैं। उसमें कहा गया है कि इस देश को धर्मराज या स्वराज रामराज बनाना है, इस देश को डेमोक्रेसी नहीं लानी है, इस देश का फेडरल सिस्टम नहीं लाना है, क्लियर है। उसमें नेशनल फ्लैग के बारे में कहा गया है, उस किताब का हवाला दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि पॉलिटिक्स कैसे चल रही है जब तक क्लियर नहीं होगी आपकी समझ में नहीं आएगी। आज की पॉलिटिक्स आरएसएस विचारधारा के ऊपर एक पोल है और उसके उलट कहिए या दूसरी विचारधारा, जिसको फुले पेरियार साहू अम्बेडकर विचारधारा बोलते हैं, वो एक दूसरा छोर है। इन दोनों में अगर रिश्ता देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। एक तरफ असमानता है, ऊंच नीच है, दूसरी तरफ समता है, एकदम अच्छा कल्याणकारी बातें हैं। यहीं से शुरू हो रहा है द्वंद्व पॉलिटिक्स का। ये जो आरएसएस से जनित बीजेपी है, उसका मुकाबला इस देश में डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा है, फुले शाहू अंबेडकर, जिसको पेरियार अंबेडकर इनका नाम दिया जाता है, ये दूसरा पोल है। इस तरीके से दो छोर हैं। अब देश की जनता को तय करना है कि कौन सी इन दोनों में अच्छी है, समानता वाली, समतावादी, कल्याणकारी, या असमानता वाली, ऊंच नीच वाली, जातवाद वाली, ये तय करना है देश की जनता को। अब देश की जनता तय करने में बड़ी भूल हो रही है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि लोग हमारे यहां जो इलिटरेसी है, अभी भी शिक्षा, शिक्षित नहीं है, लोगों को पता नहीं है देश में क्या चल रहा है, जानते नहीं है, अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं, लोगों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, उनको नहीं पता कि फला किताब में फला जगह क्या लिखा है, देश को कैसे चलना चाहिए। जैसा कहेंगे नेता उसी हिसाब से काम कर लेते हैं, क्योंकि अशिक्षित है, पूरी तरीके से शिक्षित नहीं है। जब तक इस देश में उनको शिक्षित नहीं किया जाएगा, देश का कारोबार सही तरीके से नहीं चल सकता है, न कोई चला सकता है। तो बातें तो बहुत हैं, पॉलिटिक्स का जहां तक सवाल आ रहा है, तो ये दोनों जो छोर बने हुए हैं, एक हिंदुत्ववादी, दूसरा अंबेडकरवादी। अब यहां बड़ा घमासान चल रहा है, अब लोग त्रस्त हो गए हिंदुत्व वाली संस्था बीजेपी से, संस्था मतलब पार्टी, वो पार्टी से लोग परेशान हैं। कौन परेशान है? जो माइनॉरिटीज हैं, जो दलित हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान है। इनमें कुछ थोड़े से लोग हैं सुविधा भोगी हैं, वो उनकी हाँ में जरूर मिला रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 15-20% लोग एक किनारे पे हैं, एक विचारधारा को मानने वाले, कट्टर सोच वाले हैं, और हम जो बोलते हैं 80-85% वाले लोग हैं, वो दूसरी विचारधारा के। लेकिन सबसे ज्यादा जो घुसपैठ, जो पैठ बनाई है इस विचारधारा ने, हिंदुत्ववादी ने, वो हमारे ओबीसी वर्ग के ऊपर बनाई हुई है। 30-40% उनके फेवर की बात करता है, वो अज्ञानता बस करता है। मैं आपको बताऊं, अगर उसको आप शिक्षा दे दें, उसको ज्ञान दे दें, उसको अवेयर कर दें, तो डेफिनेटली उसकी समझ में आ जाएगा कि उसके शूद्र, ओबीसी मतलब शूद्र, शूद्रों की हालत उनके धर्म में, उनके हिंदुत्व में, उनकी पार्टी में क्या है, उनकी औकात क्या है, ये उनको पता लग जाएगा। लेकिन उनको शिक्षा ही नहीं देना जिससे उन्हें पता लग जाए अपना मतलब पूरा करने के लिए, और वो बेचारे अज्ञानता बस वहां अपना ड्रम पीट रहे हैं। तो कुछ दिन पहले डिसाइड किया गया था कि भाई ये तो बहुत अत्याचार कर रही है, कहीं गाय के नाम पर, कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं जिहाद, कहीं बीफ ईटिंग, कहीं कुछ, कहीं कुछ। इस तरह के जब अन्याय अत्याचार बढ़ गए, लोगों को लगा, एक नोटबंदी, वो भी एक बहुत बड़ा करिश्मा था, एक इमरजेंसी थी, इस तरह के जो लोगों ने भुगता, तो मालूम पड़ा कि ये तो गड़बड़ है। लेकिन उनके जो भक्त हैं, मोदी भक्त जिनको मैं बोलता हूं, वो इतना प्रचार करते हैं हर जगह, गली मोहल्ले में, कहीं भी चले जाइए, चाहे वो टॉपिक नहीं आया, आया नहीं आए,
लेकिन वो अपना गाना शुरू कर देते हैं कि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी बहुत अच्छा है, नोटबंदी अच्छी थी, जीएसटी अच्छी, सब अच्छा ही अच्छा है। जब उनको मालूम पड़ता है कि भाई शिक्षा की हालत खराब है, बेरोजगारी की हालत खराब है, रोजगार नहीं है, उनके भाषण में जो उन्होंने मैनिफेस्टो में किया था, जो उन्होंने भाषण दे के लोगों को लुभाया था कि 2 करोड़ को नौकरी देंगे, 15-15 लाख अकाउंट में आएगा, सब सुखी हो जाएंगे, विकास हो जाएगा, वो तो कुछ नहीं हुआ। तो कुछ लोग समझ रहे हैं, उसको भी लोग बिगवाइल करते हैं, मतलब उनको भी अपने कब्जे में लेते हैं कि नहीं ठीक है वो अच्छा था, उससे कब भ्रष्टाचार कम हो गया। तो बेचारे अज्ञान लोग कहते हैं हाँ साहब सही कह रहे हो, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब ये समझ सोच के जो और पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा, बीजेपी का भी एक गठबंधन है, वो अनाउंस ये करते हैं कि महागठबंधन, महाठगबंधन, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये तो बहुत बेकार मिलाप है, लेकिन वो अपनी तरफ नहीं देखते कि उनके यहाँ भी गठबंधन है, उनके यहाँ भी 20-30 पार्टियों का एक गठबंधन है। तो गठबंधन से कांग्रेस पार्टी चल रही है, आजकल देश चल रहा है, इसीलिए गठबंधन कोई बुराई बात नहीं है। जिन जिनको लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ हैं, जिनको लगता है कि ये अच्छा काम नहीं है भाई ऐसा होना चाहिए, तो वो एक दूसरा तरफ है। जिनको क्या टक्कर दे रहे हैं, समाजवादी है, बहुजन समाजवादी है, मार्क्सवादी है, कांग्रेस है, बहुत सारे लोग हैं। अब उनको पता लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत काम है भाई, ये आ गया तो सत्यानाश हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। अरे संविधान तो पहले से ही बदला हुआ है, संविधान का नाम क्यों ले रहे हो, आपको अकल नहीं है क्या? संविधान तो उसी दिन से बदला जा रहा है जिस दिन से फर्स्ट अमेंडमेंट शुरू हो गया था। खैर मैं इसकी इस पचड़े में नहीं पढ़ूंगा, वो बदलना न बदलना या अमेंडमेंट करना ये एक अलग काम है, होते रहना भी चाहिए, संविधान की मूल उसमें भी है। अब मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये गठबंधन जो होना था, मैंने शुरू में एक मेरा इंटरव्यू लिया था किसी एक चैनल ने, तो वहाँ भी उन्होंने इसी तरह का क्वेश्चन किया था, तो मैंने वहाँ यही बात कही थी कि अगर मोदी ये बीजेपी को हराना है, लोग मोदी का नाम लेते हैं, मैं बीजेपी का नाम लेता हूँ, बीजेपी को अगर हराना है, बीजेपी के गठबंधन को हराना है, तो जो दूसरी पार्टियाँ उससे त्रस्त हैं, जिसमें सभी आ जाती हैं उनके गठबंधन को छोड़ के, इन्होंने भी एक गठबंधन तैयार कर लेना चाहिए। और उस समय मैंने बोला था कि अगर यह गठबंधन बन गया, महागठबंधन जिसको नाम दिया गया, तो इसमें कोई शक नहीं है, मैं दावे से आज भी कह रहा हूं, अगर बना लेते हैं मोदी का नामो निशान मिट जाएगा गारंटी से। लेकिन इधर पार्टियों में भी उनके ही लोग हैं, ये गठबंधन वाले जो चिल्ला रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उनमें भी उनके नुमाइंदे हैं, वो नहीं चाह रहे कि ये गठबंधन हो। इसलिए आप देखिए समाजवादी पार्टी ने जब बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, तो समाजवादी पार्टी के घर का ही मेंबर शिवपाल यादव, उसने अलग पार्टी बना ली, काय के लिए बनाई भैया, साफ है बिल्कुल साफ, वोट किसके कटेंगे, गठबंधन के, जीतेगा कौन, मोदी। अभी और एक नया चीज मैं देख रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी के जो आदमी थे, जिनकी सत्ता थी उत्तर प्रदेश में, उसके लोग भी मायावती से खिलाफ होकर, मायावती से नाराज होकर, पता नहीं किस बात पर नाराज है वही जाने, मुझे तो मालूम नहीं है, तो वो उन्होंने भी अपना एक अलग से राज अलापना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत से लोग हैं, बामसेफ के बहुत सारे लोग हैं, बामसेफ के बामन मेश्राम साहब का मैं नाम लेता हूं, उनके जो बहुजन समाज पार्टी से मायावती ने जिनको निकाल दिया, जो MLC MLA थे, जिसमें एक और भी हैं, बहुत से लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, और नाम लेने में कोई बुराई भी नहीं है, उन्होंने मिलकर के भी मायावती के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दिया। मतलब साफ है कि BSP में भी वोट पूरे न पड़े मायावती को, यानी गठबंधन फेल कर रहे, समाजवादी पार्टी वाले भी कर रहे हैं, BSP वाले भी कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि जो ऑलरेडी पार्टी है उसको फेवर हो जाएगा। कांग्रेस पहले बोलती थी, बड़ी अच्छी बात हुई थी, बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी शायद हैदराबाद में, वहाँ ये हो गया था कि सब हैं, साहब मायावती भी हैं, सोनिया भी हैं, ममता भी हैं, सब थे, कांग्रेस सभी थे, बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे ये लगा मैंने अब जो है मोदी का काम तमाम हो जाएगा, बीजेपी का, मोदी का मतलब बीजेपी का, इस पार्टी का आप काम तमाम, मतलब ये निकल जाएगी, इसके बाद इनका एक राज आ जाएगा। लेकिन ये जो चीज पैदा हो गई, इससे महागठबंधन खतरे में पड़ गया। अभी कल परसों की बात मैं देख रहा हूं कि जो एक भीमा आर्मी कल का बच्चा, उसने भी मायावती के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया। क्या हो रहा है,
मायावती के थोड़े से दलित बोध वो भी काट जाएगा। तो ये जो कटिंग हो रही है ना, कतर ब्योत जब करते हैं कपड़े में तो कपड़ा छोटा ही होता है, बढ़ता नहीं है वो, छट छट के तो ज्यादा काटे कोई कम काटे वो तो कटता रहेगा, तो इससे नुकसान हो रहा है महागठबंधन। कांग्रेस ने तो अलग ही अपना बात कर दी या उनको इन्वॉल्व नहीं किया, तो महागठबंधन फेल हो गया। महागठबंधन फेल होने का मतलब है कि मोदी जी का रास्ता साफ, वो तो बना लेंगे। अगर वो बराबर भी आ गए, आप उनके बराबर आ गए, मान लीजिए पूर्ण बहुमत नहीं हुआ, तो वो आगे चल के आपको खरीद लेंगे, उनके अंदर हिम्मत है। वो नहीं खरीदेंगे आप खुद बिक जाएंगे, उनको खरीदने की जरूरत नहीं है, बड़े लालची लोग हैं हमारे यहाँ भी इस गठबंधन में, अपने आप ही चले जाएंगे, मोदी जी की जय चले जाते हैं। तो ये होता आया, इसीलिए मैं इस मामले में यही कहूँगा साहब कि ये महागठबंधन पूरी तरीके से सफल हो जाए, मोदी जी की पार्टी बीजेपी असफल हो जाए। और ये महागठबंधन असफल हो रहा है तो मोदी जी का चांस सफल होने का पूरा पूरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।